जनरल स्टडी अड्डा हो सकने वाली है, क्योंकि तो जैसा कि आप बंदे को जाना हो। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF भाई से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूँ कि RPF कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, कौन सा जॉब स्ट्रक्चर किस टाइप का है, ठीक है? तो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको पता लगने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो वैकेंसी है रेलवे पुलिस फोर्स की 2018 के बाद अब ये वैकेंसी आई है, लगभग 6 वर्ष बाद ये वैकेंसी आई है। तो बच्चों को बहुत दिनों से इंतजार था जो भी रेलवे पुलिस में लगना चाहते थे, क्योंकि तो दोस्तों रेलवे पुलिस में जो सबसे ज्यादा लगने का रीजन यही है कि जो पुलिस में यातायात बिल्कुल फ्री रहता है, क्योंकि तो जहां भी बंदे को जाना हो, चाहे वो दिल्ली से जम्मू हो, जम्मू से आपका चेन्नई हो, कहीं भी जाना हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है, ठीक है? तो रेलवे पुलिस की जॉब काफी अच्छी मानी गई है, ठीक है? और जॉब स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है इसका, ठीक है? तो बहुत दिनों से जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर ये आ चुका है रेलवे पुलिस में कांस्टेबल का और सब इंस्पेक्टर का, ठीक है? तो दोस्तों चर्चा करेंगे कि कितने फॉर्म अभी तक भरे जा चुके होंगे और कब कितने और भी भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो चुके थे, और लास्ट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसका 14 मई तक रहेगा, ठीक है? मतलब एक मंथ का आपको समय मिला है, ठीक है? और ज्यादा समय अब है नहीं, ठीक है? एक सप्ताह के करीब आपका समय रह चुका है, ठीक है? ज्यादा समय आपके पास नहीं है, तो इसलिए जो भी बच्चा है वो अपना फॉर्म भैया फिल कर ले जल्दी से, जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर ले, ठीक है? वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और दोस्तों अब दोस्तों ये बताऊंगा कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भीड़ कितनी है। तो देखो, एक बात ये आपको मैं बता देता हूं कि हमेशा जो कम जहां पे क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है वहां पे भीड़ ज्यादा होती है, और जहां क्वालिफिकेशन थोड़ी ज्यादा होती है वहां थोड़ी भीड़ कम हो जाती है, ठीक है? अगर देखो दोस्तों, आपको जैसे मैं बता ही देता हूँ, जैसे कोई 10वीं पास है या 12वीं पास है उससे वैकेंसी निकली, ठीक है? फिर उसमें क्या है, उससे आगे ग्रेजुएशन के लिए वैकेंसी निकली, और उससे आगे दोस्तों MSc लेवल पे कोई वैकेंसी निकली। तो सबसे ज्यादा जो कम जो वैकेंसी का स्ट्रक्चर है या जो भी है, सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके 10-12 बेसिस पे भरे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों BA वगैरह है, उससे कम उसमें भरे जाएंगे। उससे बाद दोस्तों जो MSc जिसने कर रखा है उसके बाद उससे कम उसमें भरे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे कोर्स होते जाते हैं उतना उतना कंपटीशन मतलब बढ़ते जाते हैं, ठीक है? कंपटीशन क्या है, डिवाइड होता जाता है, ठीक है? तो उसी हिसाब से इनका स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको पता है, तो ये 4208 वैकेंसी है, ठीक है? कांस्टेबल जो कांस्टेबल GD की वैकेंसी है, और एक आपकी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। तो जैसा कि देखने में आ रहा है, ठीक है, जैसा कि दोस्तों देखने में आ रहा है, कम से कम लगभग 15 लाख कांस्टेबल के फॉर्म दोस्तों फिल हो चुके हैं अभी तक। लगभग दोस्तों 15 लाख बच्चों के कांस्टेबलों के फॉर्म फिल हो चुके हैं, जैसा कि रजिस्ट्रेशन हमने देखा है, रजिस्ट्रेशन से हमने एनालिसिस किया है, ठीक है? एनालिसिस जो हुआ है तो आपके कम से कम 15 लाख फॉर्म इसके भर चुके हैं, और इसके जो फॉर्म है कम से कम 2.5 लाख इसके फॉर्म दोस्तों फिल हो चुके हैं। तो आप यहां पर अपना अंदाजा लगा सकते हो कि अभी तो डेट कंप्लीट भी नहीं हुई है, अभी 14 तारीख तक आपका डेट रहना है, 14 मई तक आपकी डेट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है? और लगभग आज 5 तारीख हो गई है, ठीक है? और लगभग कितने फॉर्म फिल किए जा सकते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर 1 लाख के आसपास फॉर्म फिल आपके हो जाएंगे, मतलब लगभग 3.5 लाख बच्चों में आपका कंपटीशन रहने वाला है, वो भी रिटर्न एग्जामिनेशन का, ठीक है? रिटर्न एग्जामिनेशन का आपका जो कंपटीशन रहने वाला है वो 3.5 लाख बच्चों में रहने वाला है सब इंस्पेक्टर लेवल पर। उसके बाद वही कॉन्स्टेबल GD की बात की जाए तो कम से कम 10 लाख फॉर्म और भरे जाएंगे। भैया सभी बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है, बहुत फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं वो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो उनकी पोस्ट थोड़ी सी लोअर है वो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है? हर कोई फॉर्म फिल कर रहा है,
जॉब का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो एज का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखा जाए तो 18 से 28, ये 20 से 28 यहाँ पे एज हो चुकी है। एज का स्ट्रक्चर भी दोस्तों बढ़ चुका है आरपीएफ में, 3 साल एक्स्ट्रा एज दे दिया तो बच्चे और भी ज्यादा फॉर्म फिल कर रहे हैं। लगभग यहाँ 25 लाख आपके फॉर्म रहने वाले हैं, मतलब कंपटीशन थोड़ा सा टफ लेवल का रहने वाला है, कंपटीशन थोड़ा रहेगा एक्स्ट्रा, ठीक है दोस्तों। उसी हिसाब से दोस्तों प्रिपरेशन आप करना, प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, उसी हिसाब से। तो यहाँ पे जो कंपटीशन आपका रहने वाला है थोड़ा टफ रहने वाला है। वैकेंसी का स्ट्रक्चर जैसे कि 452 के आसपास यहाँ पे सब इंस्पेक्टर में वैकेंसी है, ठीक है, उस लेवल से देखा जाए तो फॉर्म काफी ज्यादा भरे जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका जो जो आपका स्टेज रहने वाला है वो रिटर्न एग्जामिनेशन रहने वाला है। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद जस्ट फिर आपका जो है फिजिकल वगैरह आपके लिए कट ऑफ आएगा और फिजिकल आपका होने वाला है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे 10 टाइम्स या 15 टाइम्स आपके बच्चे लिए जाएंगे, ज्यादातर 10 टाइम्स लिए जाते हैं। तो जो वैकेंसी है 452 है तो कम से कम लगभग 5000 बच्चे लिए जाएंगे आपके, किसके लिए, फिजिकल के लिए। उसके बाद फिर मेडिकल होगा और उसके बाद फिर फाइनल मेरिट आपकी टंगेगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है फॉर्म का ये रहने वाला है, ठीक है। फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं तो आप देख सकते हो कितना कंपटीशन रहने वाला है, इसलिए भैया पढ़ाई पे जोर दे दो। जिसका रिटर्न एग्जामिनेशन बेस्ट रहेगा वही आगे तक पहुंच पाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन में, इसलिए थोड़ा सा दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को थोड़ा लाइक कर दें, जिससे सभी को थोड़ा सा कंफर्मेशन हो सके कि हाँ भाई वैकेंसी के जो स्ट्रक्चर पर कितने फॉर्म फिल किए जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद।